सरकार एवं प्रशासन लाख दावे करे कि गरीबों को आशियाने सहित रोजगार दिया जा रहा है, किंतु जमीनी हकीकत में गरीबों तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा ही मामला पन्ना जिले के शाहनगर थाना के ग्राम पंचायत बिसानी में देखने को मिला, जहां दो दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण मृतक संतोष दुबे पिता रामलाल दुबे उम्र 35 वर्ष का कच्चा घर गिर गया। छपर एवं कच्ची दीवार गिरने से उसमें वह दब गया और उसकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीब तबके के लोगों को दी जानी चाहिए, ऐसी घटनाएं घटित होने से इन योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि क्या पात्र लोगों को इसका लाभ मिल भी रहा है। यदि मिल रहा होता तो मृतक जिसका एक कच्चे मकान के अलावा और कुछ नहीं था, न ही जमीन थी, फिर उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाना सरकार की मंशा और कथनी व करनी पर सवालिया निशान छोड़ते हैं। वो भी पंचायत जाता रहा, बोलता रहा, दीदी हमारी कोई नहीं सुनता है, हमने कई बार भेजा। अच्छा। पर वो बोलता रहा कि हमको नहीं, मान लो कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, चले आते रहे, कोई नहीं सुना हमारी। और ना पैसे वगैरह तो नहीं मांगे? नहीं, पैसे वगैरह कहते थे कि गरीब आदमी हमारे पास कहाँ धरो पैसा होते, तो पैसे वाले को काम हो रहा। अच्छा। कहाँ से कहीं पैसा मांग रहे कहाँ, तो भाई बस है वही तो लिया, खर्चा पानी से। यदि आज उसको इस योजना का लाभ मिल जाता तो ये दुर्घटना नहीं होती? नहीं होती, न मृत्यु होती। आज गरीबी की स्थिति में नाजायज फायदा लिया नहीं लोगों ने, आज काय को जी घटना होती। मांगा परिवार वालों ने बताया सर कि इनका जो है आवास आया लेकिन इनको आज तक लाभ नहीं मिल पाया। यदि आवास का लाभ मिल गया होता तो ये दुर्घटना नहीं होती। पता लगाएंगे। और एक आरोप और भी लगाए हैं सर ग्रामीणों ने कि यहाँ पर जो भी आवास या कुटीर वगैरह दी जाती है तो सेक्रेटरी और सरपंच द्वारा 10,000 रुपए वसूले जाते हैं, तो जो पैसे देते हैं उनको उसका लाभ मिल पाता है, बाकी जो वास्तविक गरीब हैं उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। यदि इसका लाभ मिला होगा तो ये दुर्घटना नहीं होती यार। अब इस बात को पता में जाँच के बाद चलेगा, जाँच करवाने के बाद और आर्थिक मदद जो भी होगी, जो नियमानुसार होगी मदद मिलेगी इनको। निशान छोड़ते हैं। अब यह मामला बेहद गंभीर व संवेदनशील है जो सघन जांच का विषय है। इस घटना से पूरे ग्राम में शोक एवं आक्रोश व्याप्त है। पवई से के द्विवेदी की रिपोर्ट SCN News India।